वाले हैं उनके लिए ऑलमोस्ट 30 to 40 प्रैक्टिस सेट्स तैयार किए हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो अभी ये सोच के बैठ गए होंगे कि इस बार का एग्जामिनेशन तो खत्म हो गया है, इस बार थोड़ा एनर्जी स्टोर करते हैं, अगली बार अपन बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि अभी खत्म नहीं हुआ है एग्जामिनेशन, अभी एग्जामिनेशन का दौर शुरू हुआ है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर आप इन 30 to 40 प्रैक्टिस सेट्स में मेरे साथ बने रहे तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है, यहां से कोई ऐसा क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं जो यहां से बाहर चला जाए, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने 40 प्रैक्टिस सेट कर लिए, आपने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया, तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वोकैब का भी कोई पोर्शन इनसे बाहर नहीं आएगा। मैं बेसिकली एसएससी का ट्यूटर हूं, लेकिन इस बार मैं आपके लिए बच्चों की डिमांड पर एयरफोर्स और नेवी, जो आपका अक्स ग्रुप का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेकर आया हूँ। मैं कंप्यूटर जी से कहूंगा कि आपको दिखाए पहला क्वेश्चन देखिए, आप उसको करने की कोशिश कीजिए, मैं उन वर्ड्स को तब तक यहां ले लेता हूं, आप उस क्वेश्चन को देखिए तब तक और आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप इसको देख रहे हैं तो आंसर वहां पर लिखते भी चलिए, आप लिखते ही नहीं साथ ही साथ, मान लीजिए आपको ये पहला वर्ड गार्निश मिल रहा है, अगर ये गार्निश वर्ड के आपको सिनोनिम्स आते भी हैं, अगर आपको गार्निश वर्ड के सिनोनिम्स आते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में इसके सारे सिनोनिम्स लिख दीजिए जो आपको आते हैं, फिर देखो कितना अच्छे से अपन इस टॉपिक को करते हैं। चलो अब आ जाइए जरा इधर, आपने अब तक क्वेश्चन कर लिया होगा, वर्ड है आपका गार्निश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्निश? गार्निश का मतलब होता है आपका जो कोई भी डिश होता है, जो कि फूड डिश होती है, उसको आपको विशेष तरह से सजाना होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर मेहमान आते हैं, आप कोई भी डिश बनाते हैं, उसके ऊपर इधर से सॉस डालेंगे, इधर थोड़े टोमेटोज काट के रखेंगे, इधर थोड़ा सा पालक डाल के रखेंगे, इस तरह से जो डिश को सजाना होता है उसको स्पेशली अपन गार्निश कहते हैं। तो किसी भी प्रकार का सजाना हो वो गार्निश है, डेकोरेट करना कह देंगे उसको। पहला वर्ड यहां से तैयार होता है गार्निश, जिसका मतलब हो गया डेकोरेट। एक बात और ध्यान रखना, यहां ऐसा कोई डेकोरेट जैसा वर्ड आपके ऑप्शन में है नहीं, तो एक और वर्ड ध्यान रखना, दैट्स एडोर। बहुत अच्छा वर्ड है बच्चे, एडोर। एडोर का मतलब होता है आपका प्यार करना। यहां ये वर्ड एडोर मैंने इसलिए लिखा है कि सजाने के लिए एक वर्ड होता है एडोन, ADORN, और ये दोनों वर्ड्स आपस में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जहां आपका एडोन गार्निश है, सजाना है, डेकोरेट करना है, एक वर्ड और ले लेता हूं मैं आपके लिए, एम्बेलिस। अगर दोस्तों ये केवल फोर वर्ड्स आपको तैयार होते हैं तो एग्जामिनेशन में सजाना से रिलेटेड वर्ड आपका गलत नहीं होगा, डेकोरेट, एडोन और एम्बेलिस। ठीक है बच्चे, तो आपको आंसर तक बात करूं तो मैं आपके ऑप्शंस में एडोन ऑप्शन में है उधर है, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अब इस वर्ड की बात करता हूं, एडोर का मतलब होता है किसी भी आदमी का रेस्पेक्ट करना, उसकी प्रशंसा करना, उसे प्यार करना। ये तीनों अर्थ में, किसी भी अर्थ में ये वर्ड यूज हो सकता है, एडोर। रेस्पेक्ट के लिए यूज हो सकता है, एडमायर के लिए यूज हो सकता है, लव के लिए, और इतना प्यार करने लग जाओ कि पूजा ही करने लग जाओ तो वर्शिप के लिए भी वर्ड यूज हो सकता है। ये वर्ड आपका वर्शिप के लिए भी यूज हो सकता है, तो आपका एडोर वर्ड है। देखो बच्चे, एडोन आपका सजाना है, एम्बेलिस आपका सजाना है, लेकिन एडोर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करना, एडमायर करना, लव करना या वर्शिप करना। अगर आप इसके ऑप्शंस की तरफ नजर डालेंगे, एक बार सर आप ऑप्शंस में लें, अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो आप एक खास चीज पाएंगे, जहां गार्निश का सिनोनिम आपको एडोन दिख रहा है ऑप्शन में, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। देखो ऑनर लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, यानी ये इस वर्ड से कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। आपका जो एडोर वर्ड होता है इसका अर्थ होता है रेस्पेक्ट करना, यानी मैं आपको अगर ले लूं ऑनर, ऑनर का अर्थ हो जाएगा आपका सम्मान करना या सम्मान, वर्ब और नाउन दोनों होता है, रेस्पेक्ट। चलो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ जाता हूं, अगर एग्जामिनेशन में एडोर आए तो ऑनर भी हो सकता है, उसका रेस्पेक्ट भी हो सकता है। देखो बच्चे, अब मैं बात करूं एक नाउन सम्मान के लिए
आदर के लिए, अगर किसी के लिए आपके मन में सम्मान या आदर है तो आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। रेस्पेक्ट का सिनोनिम एग्जामिनेशन में दो वर्ड हैं जिन पे स्टार लगाकर यूज करूंगा मेरे बेटे, आपको इनका खास ध्यान रखना है। अगर सम्मान के लिए वर्ड है, आदर के लिए वर्ड है, तो स्टीम वर्ड आ सकता है, या फिर आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है वर्ड है स्टीम का सिनोनिम रेस्पेक्ट के लिए, दैट इज डेफरेंस। बेटा डिफरेंस नहीं है बेटा, डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान। ये दो वर्ड्स और स्टार बोर्ड पे लगे हुए स्टार लगे हुए वर्ड्स को मत भूल जाना बेटा, स्टार लगे हुए वर्ड्स है वो सीधे के सीधे एग्जामिनेशन में अप्रोच होने वाले हैं। स्टीम का मतलब सम्मान, डेफरेंस का मतलब भी क्या हो गया, किसी के लिए बहुत बड़ा आदर या सम्मान। अब बेटे जब सम्मान का स्तर बढ़ जाता है, सम्मान एक लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर वो बात श्रद्धा की हो जाती है, और फिर अपन वर्ड करेंगे जो सम्मान के लिए वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड हिंदी में यूज हो जाता है आपका श्रद्धा। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर सम्मान बढ़े और वो श्रद्धा बन जाए तो उसको आप कहेंगे रेवरेंस। क्या कह देंगे बच्चे? रेवरेंस। या फिर आपके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं भैया वेनरेशन। ये दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चे। दो और स्टार लगे हुए वर्ड्स आपके पास बोर्ड पे हैं। पहला वर्ड मैंने लिखा रेवरेंस, दूसरा वर्ड मैंने लिखा वेनरेंस। इन दोनों का वर्ड हो जाता है बेटा श्रद्धा। ठीक है बेटा जी, किसी को अगर आप भगवान ही मान लो और उसके खिलाफ उसके लिए इतनी श्रद्धा रखने लग जाओ, रेस्पेक्ट बढ़ जाए, तो वो हो जाता है रेवरेंस, या फिर वर्ड बन जाता है आपका वेनरेंस। अब बच्चे देखो ये वर्ड आए कहां से, ये तो नाउन है सम्मान या श्रद्धा, ये भी नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये किस वर्ब से आए हैं भैया? ये आया है वर्ड रिवियर से, यानी रिवियर वर्ड है, इसका मतलब श्रद्धा, रेस्पेक्ट, ऑनर, स्टीम, रेस्पेक्ट, एडमायर, लव पूरा हो जाएगा। ठीक है, रिवियर से आया। ये वर्ड वेनरेशन कहां से आया बच्चे? इसकी वर्ब क्या है? बोलते रहिए। देखो अगर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और आप साफ साफ बोलते हो तो एक अलग ही लेवल का मजा होता है पढ़ने का, वो लाइव का सा एक्सपीरियंस हो जाता है। कोशिश भी की थी आज लाइव की, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फेलियर की वजह से हो नहीं पाया। हो सकता है कल या परसों तक आपको ये पूरा स्ट्रीम लाइव मिलेगा, और जब मैं लाइव पे आऊंगा तो फिर मैराथन क्लासेज चलेंगी, और मैराथन क्लासेज 3-4-5 घंटे की चलेंगी। थोड़ा फ्री हूँ, थोड़ा आपके लिए छुट्टियां मैनेज करूंगा ड्यूटी से, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो अभी बहुत दिन बाकी है बच्चे, 19 से 20, 21, 22, 23, 3-4 दिन का काफी लंबा पीरियड रहता है, इसमें अपन कर लेंगे। तो सर इधर आ जाइए जरा, ये वर्ड आप मैं आपके लिए जगह छोड़ता रहूंगा बीच बीच में, अगर आप कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बहुत आराम से ले सकते हैं आप। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका गार्निश या एडॉन। आपकी इजाजत हो तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। ये जी, ये लो जी, देखो बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे नजर रखिए, आप आंसर की तरफ पहुंचिए, देखते हैं क्या आंसर निकाल कर लाते हो। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहिए, साथ ही साथ इन वर्ड्स के लिए आपको कुछ सिनोनिम्स और आते हैं तो आप उनको भी लिखते रहिए। देखो चूज द वर्ड ऑलमोस्ट ऑपोजिट, यानी एंटोनिम पूछा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का एंटोनिम पूछा है, वर्ड आपके सामने है बोर्ड पे स्क्रीन पे, सारे के सारे वर्ड देख लीजिए आप। मैं यहां ले लेता हूं बच्चे पॉजिटिव को। देखो अगर आपके पास कोई चीज है तो वो तीन तरह से हो सकती है, या तो वो आपके पर्याप्त हो सकती है, या उसकी कमी हो सकती है, और या उसकी प्रचुरता हो सकती है। ये तीनों वर्ड अगर, ये पूरा टेबल अगर याद कर दिया जाए तो कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा होगा नहीं जो इसे, अगर आपके 4-5 शिफ्ट में पेपर होते हैं तो किसी न किसी शिफ्ट में यहां से एक नंबर का कोई ना कोई वर्ड पूछ लिया जाएगा। आओ जरा देखते हैं। अगर मैं पर्याप्त की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स आपको आते हैं, आप सफिशियंट कह सकते हैं, आप एडिक्वेट कह सकते हैं, और आप एनफ कह सकते हैं। ये तीन वर्ड आपके पर्याप्त के लिए हो गए, ये तीन वर्ड आप यूज कर सकते हैं पर्याप्त के लिए। अब आओ जरा थोड़ा सा अब बात करें कमी की। कमी बोले तो डार्क, बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार लगा देता हूं मैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में पॉजिटिव नहीं मिला तो इसका ये भाई मिलेगा डर्थ, ये भी नहीं मिला तो वर्ड मिलेगा ये स्केयरसिटी। अपन पढ़ते हैं ना वाटर स्केयरसिटी प्रॉब्लम, यानी पानी की
कमी की समस्या है, स्केयरसिटी का अर्थ हो जाता है आपका कमी, डर्थ का भी क्या हो जाता है भैया कमी। और अब आपका पॉसिटी आपका है, स्टार रेटेड वर्ड है, ये तीन स्टार रेटेड वर्ड है, बाकी आप वर्ड यूज कर सकते हैं शॉर्टेज, आप वर्ड स्पार्सिटी भी यूज कर सकते हैं, अगर मेरी तरह यहां से बाल हैं वो काफी विरल हो जाए और उनमें कमी आ जाए तो वर्ड स्पार्सिटी भी यूज कर सकते हैं। ये आपका लैक ऑफ है, या फिर एक वर्ब वर्ड जिसे आप वर्ब समझते हो कमी के लिए वो भी यूज किया जा सकता है नाउन की तरह। अगर वॉन्ट वर्ड को नाउन की तरह यूज किया जाए तो ये नाउन के रूप में अर्थ देता है आपका कमी का, किसका अर्थ देगा बच्चे कमी का। तो ये वर्ड है डार्क, स्केर्सिटी, शॉर्टेज, लैक ऑफ वॉन्ट, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर किसी चीज की प्रचुरता रहती है तो क्या वर्ड यूज करेंगे भैया, वो आइए जरा देखो, प्रचुर को कहते हैं अबंडेंट। अब देखो ये अबंडेंट वर्ड एडजेक्टिव है, आप इसके नाउन साथ में बनाते चले भैया, ये खेल तो आपको आना ही चाहिए एग्जामिनेशन में, अगर आपको अबंडेंट आता है तो फिर अबंडेंस आना ही चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप यूज कर सकते हैं किसी के ज्यादा के लिए तो वर्ड आपका होता है एम्पल, किसी भी चीज की एम्पल क्वांटिटी यानी प्रचुर मात्रा, अत्यधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा के लिए आप वर्ड यूज कीजिए प्लेथोरा। और जैसे ही आपने प्लेथोरा लिखा आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मैं सारे वर्ड स्टार रेटेड वर्ड से उनको भूलिए नहीं बच्चे आप, अबंडेंट हो, अबंडेंस हो, एम्पल हो, प्लेथोरा हो। अब अबंडेंट से ऐसा ही वर्ड और निकाल देता हूं मैं, वो हो जाएगा आपका रिडंडेंट, वो वर्ड यूज किया बच्चे मैंने क्या रिडंडेंट, अबंडेंट, रिडंडेंट। अब दो स्टार रेटेड वर्ड और यूज करता हूं मैं, दैट इज कॉपियस, कॉपियस अमाउंट ऑफ समथिंग मीन्स ए प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग, कॉपियस, प्रोफ्यूज, ऑल आर द स्टार रेटेड वर्ड्स, ये याद कर लेना बच्चे। अबंडेंट किसी भी चीज की प्रचुर मात्रा, एम्पल प्लेथोरा, रिडंडेंट, कॉपियस, प्रोफ्यूज, ठीक है। अच्छा एक्सेस क्वांटिटी कह सकते हो, एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, एक्सेस कह सकते हो, आई हैव गैलोर लव फॉर माई डॉटर, बहुत ज्यादा प्यार है मेरे को, सरप्लस कह सकते हो, न जाने कितने बोर्ड वर्ड्स, सरप्लस कह सकते हो, बाउंटीफुल कह सकते हो, बाउंटीफुल कहीं उदार के लिए भी यूज होता है, एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हो जो खर्चीला के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चे आपके लिए, शायद मैं प्लेंटी का यूज करना भूल गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है, नंबर 10 यहां लिख के ले लेता हूं मैं प्लेंटी। चलो जी, तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपको यहाँ पॉजिटिव वर्ड दिया गया था और उसका एंटोनिम पूछा था, तो एंटोनिम इनमें से ही कोई होगा और यहां आपको स्क्रीन पे दिखेगा तो दिखेगा वर्ड प्लेथोरा, ये तो आंसर की बात है। आंसर के अलावा भी यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, आप चाहो तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। चलो जी, इसके अलावा जो वर्ड है वो पहला वर्ड है आपका पैरागॉन, दैट्स पैरागन, एक्चुअली पैरागन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरागन। पैरागन आपको याद होगा तो बहुत समय पहले एक स्लीपर हुआ करता था, अभी भी पता नहीं आता है कि नहीं, पैरागन का मतलब होता है एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एकदम परफेक्ट एग्जांपल, जो बहुत अच्छा एग्जांपल किसी चीज का हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ दिस इज ए पैरागन ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी ए परफेक्ट पैरागन ऑफ नॉन वायलेंस, या एन एपिटमी, बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ इसके लिए मैं, परफेक्ट एग्जांपल एन एपिटमी, दैट्स एपिटमी, एपिटमी का अर्थ होता है परफेक्ट एग्जांपल, या फिर इन दोनों ही वर्ड्स के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है आपका पैराडाइम। बच्चे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिए मैंने, तीनों ही स्टार रेटेड वर्ड है, अगर आपको वर्ड पैरागॉन मिलता है या पैराडाइम मिल जाता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। सर वो मार्कर्स भरे हुए होंगे, मुझे थोड़ा सा डिलीवर कर दीजिए।
किसी भी चीज को अपन बड़बड़ाते हैं, उच्चारण करते हैं तो बट तो बच्चे अपन ने देखा ये जो आपका पैरागन है ये हो गया एपिटमी यानी किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जांपल या पैराडाइम। तीन वर्ड यहाँ से लिए, पैराडीज मत बोले बच्चे इसको, जी साइलेंट रहता है, पैराडाइम, दिस इज पैराडाइम। ठीक है चलो कुछ दो वर्ड्स और बच गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड है आप प्रनाउंस, प्रनाउंस का मतलब आपको पता है उच्चारण करना होता है किसी चीज को, अटर करना होता है किसी भी चीज को, अपन बड़बड़ाते हैं उच्चारण करते हैं तो बट अटर या फिर प्रनाउंस यूज हो सकता है। लेकिन प्रनाउंस का एक दूसरा मतलब और होता है जिसका मतलब होता है डिक्लेयर करना, उद्घोषणा कर देना या घोषित कर देना। डिक्लेयर करने के लिए कुछ खास वर्ड्स लिख लीजिए आप, घोषित कर देने के लिए वर्ड यूज होता है हेराल्ड, हेराल्ड करना, डिक्लेयर करना, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोक्लेम। ये तीन वर्ड और लिख लीजिए आप डिक्लेयर करने के लिए, प्रोक्लेम, डिक्लेयर, हेराल्ड और ए प्रोक्लेम, ये हो गया आपका घोषित करना। एक वर्ड यहाँ स्क्रीन पे और है, मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फटाक से मैं आगे निकलूं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, देखो एक वर्ड और है, थोड़ा सा लंबा वर्ड है तो जगह चाहिए होगा मुझे। ये वर्ड है आपका परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मनाना या फिर उसको राजी करना। ठीक है ना, भले आप उसकी कुसामदी करके करो या भले ही उसको कैसे भी कन्विंस करके करो। तो दूसरा वर्ड हो जाएगा किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, राजी करना, कन्विंस करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जामिनेशन में प्रेपोजिशन के रूप में पूछा जाता है, ये गजब का वर्ड है भैया, प्रिवेल ऑन या प्रिवेल अपॉन, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, याद भी कर लीजिए इसको, यहां से पूछी जाती है प्रिवेल ऑन या प्रिवेल अपॉन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मना लेना या कन्विंस कर लेना। अच्छा बेटा बहला फुसला लेना काम करने के लिए, दैट इज कॉक्स, क्या वर्ड यूज कर लेंगे, कॉक्स। और अच्छा वर्ड याद करो तो फिर ये आपकी अजय देवगन की बीवी कजोल। ठीक है क्या वर्ड कर लेंगे, कजोल, कजोल का अर्थ होता है किसी को खुशामदी करके, ठीक है ना, खुशामदी करके उसको कोई काम करने के लिए मना लेना या राजी कर लेना। तो इन सारे वर्ड का अर्थ हो जाएगा किसी व्यक्ति को काम करने के लिए राजी कर लेना या मना लेना, कोई काम करने के लिए उसको राजी कर लेना या मना लेना, आपका वर्ड हो जाएगा कजोल। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं मना लेने के लिए, ये पांच वर्ड आपने राइट डाउन कर लिए होंगे, परसुएड, कन्विंस, प्रिवेल ऑन, अपॉन, कॉक्स और कजोल। अगर आप चाहते हो कि वो आपका काम नहीं करे, काम नहीं करने के लिए राजी करना है, तो वर्ड परसुएड का उल्टा हो जाता है डिसुएड, क्या वर्ड यूज कर लेंगे आप, डिसुएड, डिसुएड का मतलब होता है कोई काम नहीं करने के लिए राजी करना। ठीक है ना, किसी को ये कहो कि उसको वोट मत डालना, ठीक है ना, उसको वोट नहीं देना है, तो वो नहीं डालने के लिए राजी किया तो आपने उसको डिसुएड कर लिया। ठीक है ये सारे के सारे एंटोनिम और सिनोनिम के दो दो शुरुआती क्वेश्चन थे। मैं आपको भी सजेस्ट दूंगा कि आप अगर प्रैक्टिस एड निकालते हैं तो शब्दों को इस तरह से देखें, इस नजरिए से देखें, ये आपके केवल दो वर्ड्स नहीं होते हैं, ये आपका मैं कहूँ तो 30 से 40 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। सर एक बार इधर लीजिए जरा, मैंने यहाँ बात की पॉजिटिव की, पॉजिटिव यानी कमी, तो कमी के लिए अधिकता के लिए वर्ड हो जाएगा प्लेथोरा, पैरागन हो जाएगा किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, प्रेनेंस हो जाएगा आपका किसी को अटर करना या घोषित करना तो डिक्लेयर हो जाएगा, और यहाँ प्रसुएड का होता है किसी व्यक्ति को काम करने के लिए राजी करना, प्रिवेल ऑन या फिर प्रिवेल अपॉन। आगे अगर आपकी आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो आओ जी, ये क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा और बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, जरा एक बार आजमाइए। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, इमिग्रेंट, दैट्स इमिग्रेंट, टूरिस्ट और सेटलर, क्या कहेंगे? सर आप इस पे फोकस कीजिए, मैं तब तक इस वर्ड को इधर ले लेता हूं। ऑप्शंस कुछ आपके इस तरह से हैं, ये है आपका इमिग्रेंट, ये है आपका एमिग्रेंट, और ये दो वो ऑप्शन हैं जो केवल ऑप्शन हैं, टूरिस्ट
और आपका हो गया बैंड सेट लाइन। आ जाइए अब इधर आ जाइए। देखो बच्चे ये एक्चुअली दोनों वर्ड्स है ना, इनकी एक खास खूबी है, ये आएंगे जब हमेशा साथ आएंगे, और जितने भी बार एग्जामिनेशन में आएंगे हमेशा एक नई डेफिनेशन के साथ आएंगे। तो अगर आपने एक रटी है वो वाली नहीं आई तो फिर कहाँ जाओगे? जबकि कंपटीशन क्या कहता है, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है और अगर वो किसी भी एग्जामिनेशन में आई है तो वो फिर आपकी सही होनी चाहिए, एटलीस्ट जो आपने पढ़ी है। आओ जरा थोड़ा सा देखते हैं स्पेलिंग में। देखो सबसे पहले देखते हैं कि बड़ा कौन सा है, स्पेलिंग बड़ा इमिग्रेंट का है बच्चे, यानी इमिग्रेंट वो मेहमान है, जो मेहमान अर्थ नहीं है इसका एक्चुअली, मैं लिखा है इमिग्रेंट वो मेहमान है जो अपने देश में आकर बस गया। जैसे सनी लियोनी को जानते तुम, वो अपने लिए मेहमान है क्योंकि वो अपने देश में आई है। यानी कोई भी ऐसा आदमी जो दूसरे देश से आकर अपने देश में बस जाता है तो वो भारत के लिए सनी लियोन इमिग्रेंट है, और वो कनाडा से आई है तो कनाडा वालों के लिए वो इमिग्रेंट है। वैसे आप माधुरी दीक्षित को जानते हैं बच्चे, माधुरी दीक्षित है वो भारत की थी और डॉक्टर नैने के साथ जाके अमेरिका में बस गई, यानी वो भारत वालों के लिए माधुरी दीक्षित इमिग्रेंट है। ठीक है तो मैं माधुरी लिख देता हूं आपको याद रह जाए, भारत वालों के लिए इमिग्रेंट है वो, और अमेरिका वालों के लिए वो क्या भैया इमिग्रेंट है। यानी डेफिनेशन समझना पड़ेगा, जो इस देश में आया है वो इस देश वालों के लिए इमिग्रेंट है और जिस देश से आया है उनके लिए इमिग्रेंट है। अब जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिए भैया, ठीक है आपका क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए थोड़ा। क्या कह रहा है, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड, यानी एक व्यक्ति जो आ रहा है भैया विदेशी जमीन पर टू सेटल देयर, वहां सेटल होने के लिए, तो उन विदेशी जमीन वालों के लिए वो मेहमान होगा, और अगर वो मेहमान हुआ तो फिर बच्चे इमिग्रेंट है या इमिग्रेंट है? वहां वो क्या है बच्चे इमिग्रेंट है। क्या है बच्चे वो इमिग्रेंट है, ठीक है ना। अच्छा ये डेफिनेशन ये होती ए पर्सन है हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, ये ऐसे लिखा होता ए पर्सन है हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में बसने के लिए जाता है, तो दूसरे देश में गया यानी माधुरी गई है तो वो अपने लिए क्या होगी बच्चे इमिग्रेंट। ये खास डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है बात समझ आई होगी। तीसरा है टूरिस्ट, ये तो यात्री है जो कहीं भी जाएगा, सेटलर यानी कहीं भी सेटल होने वाला, जब भी ये वर्ड आएगा तो कुछ और इस तरह के ऑप्शन इसके साथ आ सकते हैं। नेटिव, नेटिव यानी वहां का मूल निवासी, आपके ऑप्शन में वर्ड डोमिसाइल हो सकता है, डोमिसाइल का अर्थ भी होता है वहां का मूल निवासी या मूल निवास स्थान जिनका जहां है, या फिर आपका वर्ड यूज हो सकता है माइग्रेंट। माइग्रेंट एक्चुअली उन लोगों के लिए यूज होता है जो कमाने के लिए विदेश वगैरह में चले जाते हैं, या फिर उन बर्ड्स के लिए जैसे अपने यहाँ साइबेरियन सार्स आते हैं तो वातावरण के अनुकूलता के अनुसार इधर उधर होते रहते हैं, तो उनको कहा जाता है आपका माइग्रेंट। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए सर आप। चलो इसका आंसर हो गया आपका इमिग्रेंट। आपकी इजाजत से फिर एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा, बड़ा ही गजब का पैसिव वॉइस है सर, दिखाइए बच्चों को बहुत अच्छे से। देखो कुछ लेवल के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे और कुछ लेवल के क्वेश्चन आपके आते भी हैं, तो दो राय हो सकती हैं। पहला तो आप में से अधिकांश तो कहेंगे ये तो एसएससी का क्वेश्चन है, यहाँ का लेवल नहीं है,
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में भी आ सकते हैं कि यार ये तो अपन ने पढ़ाई नहीं, तो ये अपना नंबर तो एक्टिव वेस्ट पैसिव वेस्ट में जा रहा है, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना भी 20 to 40 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, और अगर उतने दिन लगातार जुड़े रहे हैं तो फिर बच्चे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, बाकी स्टूडेंट से बेहद अच्छा स्कोर होगा। आओ जरा देखना, जरा आपने इसको पता नहीं क्या समझा होगा, इसका मीनिंग भी पता नहीं क्या समझा होगा। इसका मीनिंग ये है, हैव द कार स्टोलन, यानी आप ये कार किसी से चोरी करवा दीजिए। इसका मीनिंग क्या है, ये कार किसी से चोरी करवा दीजिए। जैसे मैं कहूं हैव माय कार रिपेयर्ड, यानी मेरी कार को क्या करवा दीजिए बच्चे, रिपेयर करवा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस दोबारा आऊंगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए सर आप भी मेरे साथ। देखो बच्चे, एक्चुअली ये है, हैव ए समवन ए रिपेयर ए माय कार, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, हैव माय कार रिपेयर। ये बच्चे दोनों सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस एक्टिव में है और ये पैसिव में है। ये क्या है, क्यों है, इस पे फिलहाल आपको जिक्र नहीं करना है, ये मेरा काम है। मैं आपको बता रहा हूं केवल कि एक एक स्ट्रक्चर एक्टिव में है और दूसरा पैसिव में। बच्चे देखो, मैं एक वर्ड लिखता हूं, मैंने वर्ड लिखा ब्रेक, और मैंने तुमसे पूछा कि ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, बी आर ई के ब्रेक यानी क्या होता है। आप में से बहुत सारे कहेंगे सर टूटना होता है, बहुत सारे कहेंगे सर तोड़ना होता है। ठीक है, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, एक टूटना हो गया और एक तोड़ना हो गया। कोई चीज टूटती तो अपने आप है, क्या समझे बच्चे, कोई चीज टूटती तो अपने आप है, यानी ये हैपनिंग है बच्चे। क्या है बच्चे, हैपनिंग है और तोड़ना पड़ता है, तो ये काम करना पड़ता है, तो डूइंग है भैया। यानी आपके अनुसार दुनिया में दो ही तरह के काम होते हैं, एक तो वो काम जो अपने आप हो जाते हैं और दूसरे वो काम जो किसी से करवाने पड़ते हैं। तो जो अपने आप हो जाते हैं वो हैपनिंग है, और जो किसी से करवाने पड़े वो डूइंग है। लेकिन कई बार कहते हैं ना, मैं अपने भाई से तेरी टांग तोड़वा दूंगा, तो ना टूटना है और ना तोड़ना है, नहीं तो आप खुद तोड़ रहे हो ना अपने आप टांग टूट रही है, तो वो बच्चे हो गए आपका तुड़वाना। जब काम न अपने आप होता है, ना कोई करता है जबकि किसी तीसरे से करवाता है, तो वहां जो वर्ब यूज होती है बच्चे, उस वर्ब को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं बच्चे, पॉजिटिव वर्ब। अब मैं आपको बहुत डीप में नहीं ले जाऊंगा यहां से, मैं आपको बताऊं आपके यहां जो मुख्य मुख्य पॉजिटिव वर्ड यूज होते हैं वो हो गई मेक, हैव, गेट, हेल्प एंड लेट। ये पांच मेन वर्ब्स आपको याद करके चलनी है बेटा, ठीक है ना। ये पांच पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनके बारे में अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूं तो मुझे दो पॉजिटिव वर्ब का आइडिया होना चाहिए। आओ जरा सबसे पहले हैव की बात कर लेता हूं। हैव समवन, ये देखो, हैव समवन, किसी को पकड़ कर लाओ क्या करने के लिए भैया, रिपेयर माई कार, मेरी कार को रिपेयर करने के लिए। बच्चे यहां देखिए एक बार, इस रिपेयर से पहले जो वर्ड लिखा हुआ है, ये इस रिपेयर कार को रिपेयर करने का काम कौन करेगा भैया, समवन। और अगर किसी भी वर्ब से पहले उस काम को करने वाले का जिक्र हो, डूअर का जिक्र हो, तो स्ट्रक्चर कैसी एक्टिव में, तो हैव पॉजिटिव वर्ब हो तो क्या स्ट्रक्चर होती है, देखो हैव होता है, उसके बाद उस काम को करने वाला होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये स्ट्रक्चर काम में रहते हैं बच्चे। ठीक है, चलो अगर ऐसा नहीं हो बच्चे, रिपेयर करने का काम कार करेगी क्या, ये इसका डूर है या नॉट डूर है, नॉट डूअर है। और बच्चे ये इसका नॉट डूअर है, तो स्ट्रक्चर एक्टिव में होगी कि पैसिव में होगी, डेफिनेटली अगर वर्ब से पहले लिखा हुआ वर्ड इसका नॉट डूअर है तो स्ट्रक्चर पैसिव में होगी। तो आपने यहां हैव के बाद जो वर्ड लिखा है माय कार, ये इसका डूअर ना होकर क्या है बच्चे,
नॉट डूअर, और जब नॉट डूअर या ऑब्जेक्ट लिखा गया वर्ब का तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, मैं कहूं कि मैंने अपने दोस्त से कूलर में पानी भरवाया, तो भरवाने का काम कौन कर रहा है? मैं। किसी काम किसने किया एक्चुअली? मेरे दोस्त ने। तो देखो जरा इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। मैंने लिखा आई हैड ए, माई फ्रेंड ए, आई हैव माई फ्रेंड ए फिल द कूलर। मैंने अपने दोस्त से क्या करवाया भैया? कूलर भरवाया। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो फिल करने का काम है ये कौन कर रहा है? माय फ्रेंड। तो ये डूअर है, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेंगे बच्चे? फर्स्ट फॉर्म। क्या यहां कोई ऐसा आंसर है? जरा देखिए, जरा सर से मेरा निवेदन, क्या यहां कोई ऑप्शन है? हैव द कार स्टोलन, यानी मैं इस कार को किसी से चोरी करवा दीजिए। पहला वर्ड है स्टील द कार, कार को चोर लीजिए। ना जी, यू शुड हैव द स्टोलन कार। स्टोलन कार का मतलब होता है चोरी की गई कार, तुम्हें रखनी चाहिए थी चोरी की गई कार। नहीं जी, गेट समवन, किसी को पकड़ कर लाओ, टू स्टील द कार, कार को चोरी करने के लिए। ठीक बेटर है मामला, दे हैव स्टोलन द कार, उन्होंने कार को चोरी कर लिया है। लेकिन यहाँ बच्चे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ हैव, वहां लिखना अपन ने हैव माई कार रिपेयर, तो वहां तो लिखा है ना हैव द कार स्टोलन, तो इसका पैसिव पैसिव में है, तो एक्टिव ये होना चाहिए ना हैव समवन स्टील द कार। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो एक पॉजिटिव वर्ब और पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ वो भी यही देती है। अगर इसी सेंटेंस को मैं गेट से लिख रहा होता तो कैसे लिखता? गेट से लिख रहा होता तो ऐसे लिखता, गेट समवन टू स्टील, रिपेयर है क्या बच्चे? टू रिपेयर माय कार। बच्चे बिल्कुल साफ डिफरेंस पता चल रहा है। अगर पॉजिटिव वर्ब हैव की जगह गेट होती तो जैसे इसके बाद डूअर लिखते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बेटा, इस बार जो लिखते वो होती टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इंफिनिटिव अपने पूरे रूप में आता और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता। ठीक है बच्चे, ये इसकी एक्टिव स्ट्रक्चर है। और यही अगर पैसिव में होता, अगर ऐसे लिख देता गेट माई कार, अब यहां माई कार आ गया तो नॉट डूअर आ गया, तो वो आपकी थर्ड फॉर्म लेनी पड़ती। तो फिर क्या करते हैं अपन, गेट के बाद अगर नॉट डूअर मौजूद होता तो हैव के सेम ही स्ट्रक्चर इसका बनता, वो आपकी थर्ड फॉर्म। अब अपने को देखने की जरूरत यह है कि फर्क कहां आया। अगर गेट के बाद भी नॉट डूअर है तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के बाद भी नॉट डूअर है तो थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर हैव के बाद डूअर है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि गेट के बाद डूअर है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां आप देख रहे हो, इधर आ जाइए जरा थोड़ा, यहां आप देख रहे हो कि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है बच्चे जिसमें आपको क्या मिल रहा हो, गेट मिल रहा हो, और सॉरी हैव मिल रहा हो। तो हैव का दूसरा भाई कौन सा है? गेट। ये देखो जी, गेट चोरने का काम संबंध करेगा, डूअर, गेट के बाद अगर डूअर है तो फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बेटा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या चुनवाना है बेकार, ये यहाँ ऑब्जेक्ट आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आप में घबराए नहीं। देखो मैंने लिखा गेट दिस लॉक ब्रोकन, यानी तोड़ने का काम ताला तो नहीं कर रहा ना, ये डूअर तो नहीं है इसका, क्या बच्चे नॉट डूअर है, यानी ये स्ट्रक्चर कैसी है बच्चे? पैसिव की। अगर इसको एक्टिव में लिखना पड़ेगा तो एक बार हैव से लिखेंगे, एक बार गेट से लिखेंगे। हैव से लिखेंगे तो किसी को पकड़ के लाओ, ताला तुड़वाओ, हैव के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव समवन ए ब्रेक, क्या तुड़वाना है, दिस लॉक। और यही काम अगर गेट से करें तो कुछ इस तरह हो जाएगा, गेट समवन, और इस बार टू ब्रेक लिखना पड़ेगा, टू ब्रेक द सेम लॉक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपका तो आप इसके इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले वो कर लेना। ठीक है, चलो जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये लो जी, देखो जरा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप ढंग से पढ़िए, तब तक मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर कर लेता हूं। क्वेश्चन दिखाइए सर बच्चों को,
आप देखते रहे क्वेश्चन, मैं तब तक आपके लिए कुछ लिख लेता हूं। देखो बच्चे, आ जाओ इधर बेटा, ध्यान रखना एक एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई नाउन है भैया, उसके बाद प्रेपोजिशन लिखी गई है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन लिखी गई है, और फिर आपको अगर वर्ब का प्रयोग करना है, तो एक बात ध्यान रखना मेरी, बहुत अच्छी है, पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक लाइन से हो जाता है, बस एक लाइन से पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और वो लाइन ये है कि अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद नाउन लिखा गया है, या भले प्रोनाउन लिखा गया है, या कुछ भी लिखा गया है, तो प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन कभी भी वर्ब पर प्रभावी सब्जेक्ट नहीं बन पाता है। प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन कभी भी वर्ब का प्रभावी सब्जेक्ट नहीं बन पाता है। तो क्या करेंगे बच्चे, इस नाउन के अनुसार यहां वर्ब आनी चाहिए, हाँ या ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा द हॉस्टिलिटी, सॉरी हॉस्टिलिटी बिटवीन ए टू ग्रुप्स, इतना लिख के अगर मैं आगे हैज और हैव में से आपको चूज करने के लिए बोलूं हेल्पिंग वर्ब, तो आप किसके साथ जाएंगे। देखो ये बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है, बिटवीन के बाद लिखा सब्जेक्ट कभी भी वर्ब पर प्रभावी सब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, तो प्रभावी सब्जेक्ट कौन बना भैया, हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी के अनुसार क्या आना चाहिए बच्चे, हैज या हैव, हैज, क्योंकि हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है बेटा दुश्मनी, और दुश्मनी एक दुश्मनी दो दुश्मनी नहीं होती, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। वैसे ही देखो बच्चे, मैं लिख रहा हूं एक दूसरा सेंटेंस, मैंने लिखा द ओनली बैड थिंग, ठीक है ना, ओनली आपका डिटरमाइनर हुआ, एडवर्ब हुआ, सॉरी एडवर्ब हुआ, बैड आपका एडजेक्टिव हुआ, और थिंग आपकी नाउन हुई, यानी द थिंग, ठीक है। अच्छा काहे के बारे में भैया, अबाउट ये एक प्रेपोजिशन, दीज फ्लावर्स इन फूलों के बारे में, और इसके बाद लिखूं मैं इज और आर, आपसे पूछ लो मैं, तो आप कहोगे सर प्रेपोजिशन के बाद लिखा सब्जेक्ट कभी भी वर्ब पर प्रभावी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट क्या रहा भैया, द ओनली बैड थिंग हो या द ओनली थिंग हो, द ओनली थिंग इज या द ओनली थिंग आर, तो आपका आंसर बना द ओनली थिंग इज। देखो बातें बातों में इतना क्वेश्चन हो गया, मिला लीजिए जरा, द ओनली बैड थिंग किसके बारे में बचे, अबाउट दीज फ्लावर्स, तो ये कट गया, द ओनली बैड थिंग इज द पोलन, द पोलन आपका इनएनिमेट है, द पोलन विच, और विच के बाद वर्ब किसके अनुसार आएगी भैया, जो इसके एंटीसीडेंट है पोलन, और कोजेज आपका कैसी वर्ब है बच्चे, सिंगुलर वर्ब है, तो आगे विच कोजेज व्हाट, तो एलर्जी इनका आंसर, और कहां इन मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों में, और कोई दिक्कत नहीं है, द ओनली बैड थिंग अबाउट दीज फ्लावर्स इज, बी पार्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सर, देखिए बच्चे, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिख दीजिए फटाफट से। जी बच्चे, आंसर आपको मिल गया होगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे बच्चे सीनरीज नहीं आएगा सर, सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं बनता है, क्या है ये माजरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, माजरा जो भी हो एक नंबर यहां से निकालना है। आइए जरा मेरे साथ अगले 3 मिनट दीजिए मुझे। देखो मैंने एक वर्ड लिखा बेटा इंफॉर्मेशन, इस एक ही वर्ड को डिस्कस करूंगा मैं, और फिर मैं आपको 10-12 वर्ड्स आपके लिए छोड़ जाऊंगा, वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, अगर वो एग्जामिनेशन में आते हैं तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा जहां इंफॉर्मेशन के लिए बच्चे अगर इंग्लिश ग्रामर में बात करूं तो एक अनकाउंटेबल नाउन होती है बच्चे, कैसी नाउन होती है, अनकाउंटेबल यानी इसको गिना नहीं जा सकता, कोई भी नाउन यदि आपकी अनकाउंटेबल है तो क्या क्या कॉन्सेप्ट इस पर लागू होते हैं। पहली बात, अगर अनकाउंटेबल है तो जैसे मिल्क का मिल्क्स और वाटर का वाटर्स नहीं बन सकता, वैसे ही इंफॉर्मेशन का क्या नहीं बन सकता बच्चे, इंफॉर्मेशन नहीं बन सकता। पहली चीज मैंने निकाल कर यहां लिखी कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इनके आगे एस और ईएस का प्रयोग नहीं करता। दूसरी बात, मैं कभी भी ऐसे भी नहीं लिख सकता एन इंफॉर्मेशन, मैं कभी ऐसा भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं ए वाटर और ए मिल्क नहीं लिख सकता,
आया ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो गया, इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी मेरे लिए हमेशा वर्ड। ठीक है, बात नंबर तीन आपकी जो है वो कुछ इस तरह से कि अगर आपका इंफॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर लिखनी आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये तीन कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कभी भी अगर आपको इस तरह की कोई भी अनकाउंटेबल नाउन मिलती है तो उसके साथ आपको ये तीन चीज। अब मैं कहूं कि आपको सर एक सूचना दो सूचना हो जाए तो उसको कैसे कहें? बच्चे इस तरह से अगर एक सूचना है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा उसको। क्या निकाले बच्चे उसको? ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख दीजिए बच्चे इसको। और अगर ज्यादा हो जाते हैं तो इसको प्लूरल बनाना पड़ जाए तो फिर लिख दीजिए पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसको बनाने का एक तरीका होता है प्लूरल बनाने का। जो कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन पे लागू होता है वो इन नाउंस पे और लागू होता है। मैं 30 नाउंस लिख सकता हूं आपके लिए बेटा, लेकिन 30 नाउंस है वो अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको याद नहीं रहेंगे, तो क्यों ना मैं 10 लिख दूं और वही आपके आ जाए। चलो वही लिख देता हूं। इंफॉर्मेशन नंबर दो पे आप याद रखना फर्नीचर, जहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन नंबर पे आप याद लिख लेना सीनरी। नंबर फोर पे आप याद रख लेना पोएट्री, इनमें से कोई मत भूल जाना, मारे जाओगे पहले बता रहा हूं पोएट्री। नंबर पांच पे लिख दीजिए आप लगेज। नंबर छह पे लिख दीजिए आप एडवाइस, इसको याद रखिए थोड़ी देर बाद फिर काम में लूंगा इस नाउन को मैं, एडवाइस। नंबर सेवन पे आप लिख दीजिए इक्विपमेंट। नंबर एट पे लिख दीजिए आप एविडेंस। नंबर नाइन पे लिख दीजिए लगेज का बाय बगेज। और नंबर 10 और 11 पे दो वर्ड और लूंगा, एक वर्क का वर्क्स नहीं बनाना और एक टाइम का टाइम्स नहीं बनाना। अब बच्चे यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब टाइम का टाइम्स बनाने जाते हैं ठीक है ना, ये 11 पहले तो आप याद रखिए फिर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए जरा। टाइम का टाइम्स नहीं बन सकता बच्चे, लेकिन टाइम्स अपने आप में एक अलग वर्ड होता है, 3 times 4 times a day यानी दिन में 3 बार। जो फ्रीक्वेंसी बतानी हो ना 3 times 4 times many times तो आप टाइम का टाइम्स बना सकते हैं, लेकिन वो समय के लिए नहीं होता भैया, वो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है।